सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इंट्राडे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अलग अलग पांच तरीके बताएंगे। एक इंट्राडे ट्रेडर ये समझ सकता है कि अपने ओवरऑल प्रोसेस में उसको कई तरह की टेक्निक्स, कई तरह के टूल्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर वो शुरुआत ही सही ना करे, अगर वो पिक्स स्टॉक्स को पिक ही सही तरीके से ना करे, तो ओवरऑल जो उसका मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट खाएगा। तो इस वीडियो में इन अलग अलग तरीकों की बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। जो एक ट्रेडर है जो इंट्राडे लेवल पर ट्रेडिंग करता है, उसको रिसर्च बहुत करना पड़ता है, स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से उसमें तब्दीली भी करनी पड़ती है कई बार। लेकिन अगर वो स्टॉक्स की पहचान सही से ना कर पाए, अगर उनको ठीक ढंग से पिक ना कर पाएगा, तो ये ओवरऑल जो स्ट्रेटजीज हैं, जो भी प्रोसेस, टेक्निक्स, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपको वो फायदा नहीं दिला पाएंगी, इनफैक्ट नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ये एक मुश्किल पार्ट है पूरी जॉब का और ये ट्रेडर को समझना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत से मायनों पे डिपेंड करता है। इसमें ट्रेडर का ओवरऑल एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्या पॉजिटिव, क्या फायदे, क्या नुकसान देखे हैं, क्या सीखा है अपने एक्सपीरियंस से वो ट्रेडर, उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके अलावा उसके पास कितना पैसा है लगाने को, उसके अलावा उसका एपिटेट क्या है रिस्क का, कितना रिस्क ज्यादा ले सकता है, थोड़ा रिस्क लेगा तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी कम आएंगे, और फाइनली मार्केट की सिचुएशन क्या है ग्लोबल लेवल पे भी तथा डोमेस्टिक लेवल पे भी। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी स्टॉक्स को पिक करना, हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत से ट्रेडर स्पेसिफिकली वहीं पे मात खा जाते हैं कि अपना जो स्टॉक का लिस्ट है वो ठीक से नहीं बना पाते, उसमें थोड़ी सी जल्दी करते हैं, उनको लगता है कि अपने टेक्निक्स के साथ, अपनी स्ट्रेटजीज के साथ, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ वो कुछ ना कुछ फायदा उठा पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा समय लगना चाहिए स्टॉक्स के चुनाव में और वहीं पे ज्यादातर कम समय लगाया जाता है। ये उस तरह से है कि मान लीजिए आप एक खाना बनाने जा रहे हैं, कोई डिश बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए शाही पनीर बनाने जा रहे हैं, आपने मसाले सही डाले, तेल घी सब सही डाला, आंच भी सही रखी, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है पनीर वही डालना भूल जाएंगे तो आपकी डिश तो डिजास्टर ही बनेगी। सिमिलरली कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इंट्राडे स्टॉक्स अगर सही से पिक नहीं किए तो जो मर्जी कर लीजिए, आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो एक डिजास्टर ही बनने वाला है। हम ये कहना नहीं चाहते लेकिन ज्यादातर होता यही है। तो आइए अब बात करते हैं उन पांच अलग अलग स्ट्रेटजीज की और देखते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स को आपको किस तरह से पिक करना चाहिए। सबसे पहला मायना है लिक्विडिटी। जितना ज्यादा लिक्विड होगा स्टॉक, उतनी ज्यादा उसकी खरीद फरोख्त होगी, हाई वॉल्यूम्स में, लार्ज क्वांटिटीज में वो स्टॉक बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, और इन तरह के स्टॉक्स में प्राइस की मूवमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं होती है। तो आप जब वॉल्यूम में खेलेंगे, हल्की सी प्राइस मूवमेंट पे भी आप ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो लिक्विड स्टॉक्स जो होते हैं वो ज्यादा मूवमेंट दिखाते हैं प्राइस में शॉर्ट पीरियड में, तो शॉर्ट पीरियड के लिए ये अच्छे स्टॉक्स माने जा सकते हैं। रिलेटिव लेवल पे ये जो मूवमेंट है वो काउंट होती है, लेकिन जो मॉनेटरी लेवल है वो कुछ खास नहीं होता। तो उस हिसाब से लिक्विडिटी को देखना ना भूलें और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करें। एक्सटेंसिव रिसर्च ये तो बिना कहे ही आपको समझ जाना चाहिए, किसी के कहने पे आपको स्टॉक पिक नहीं करना है, खुद का दिमाग लगाना है, रिसर्च खुद से करनी है। सक्सेसफुल जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो अपना समय लगाते हैं, समय बिताते हैं मार्केट को समझने में, मार्केट न्यूज देखने में, ग्लोबल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी, कौन से सेक्टर्स को कौन सी न्यूज इम्पैक्ट कर सकती है और विद इन दैट सेक्टर इटसेल्फ कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट खाएंगे। तो उस हिसाब से आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप एक
स्पेसिफिक सेक्टर लेवल की लिस्ट शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, 15-20 मान लीजिए अगर आपने लिस्ट को बना लिया है, तब उसमें आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना है, हिस्टोरिकल लेवल पे देखना है कि स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया था, मैक्रो तथा माइक्रो लेवल की कौन सी न्यूज ने किस तरह से इम्पैक्ट किया था। ये समय लगने वाला प्रोसेस है नंबर दो, एक्सटेंसिव रिसर्च वाला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये आपको एक्सटेंसिव रिसर्च ही देगी। तो अगर आपकी रिसर्च प्रॉपर हो पाती है, आपका इंटरेस्ट जो है जिस तरह के सेक्टर्स में आप पैसा लगाना चाहते हैं उस तरह के स्टॉक्स को आप एनालाइज करते हैं, तो जो ये 15-20 की लिस्ट है उसका नंबर काफी घट जाएगा और आपकी एक लिस्ट तैयार हो सकती है जिसमें आप एक्चुअली पैसा लगा सकते हैं। वही लिखा गया है यहाँ पे कि रिसर्च मस्ट इंक्लूड द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द स्टॉक टेक्निकल तथा फंडामेंटल लेवल पे, सेक्टर्स को इंडिसेस को आपको एनालाइज करना है और उस तरीके से आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का इंटरेस्ट भी सामने आएगा। तीसरा पॉइंट है मॉडरेट वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी क्या है? वो स्पेसिफिक स्टॉक्स जो के इम्पैक्ट खाते हैं एक सेक्टर के इम्पैक्ट आने पे किसी न्यूज पे, अगर उतना ही इम्पैक्ट सेक्टर पे है उतना ही स्टॉक पे है तो स्टॉक वो है मॉडरेट वोलेटिलिटी का। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा स्टॉक प्लस माइनस क्यों हो रहा है अच्छा खासा मार्जिन के साथ, कोई स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो स्टॉक जो है हाई वोलेटिलिटी की रेंज में आता है, उन स्टॉक से आप अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि हाईली अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक्स होते हैं वो, उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है और डेफिनेटली पैसा बनाना तो आप भूल ही जाइए। तो आपके जो स्टॉक्स की लिस्ट है उसकी वोलेटिलिटी जो होनी चाहिए एटलीस्ट मॉडरेट, रादर एट मैक्स मॉडरेट होनी चाहिए। चौथा इस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम आता है पॉइंट का, वो है वॉल्यूम और वॉल्यूम इंडेक्स का। अब वॉल्यूम इंडेक्स बेसिकली जितना ज्यादा स्टॉक खरीदा बेचा जाएगा, जितनी बार ज्यादा बायर सेलर्स इसकी खरीद फिरोख्त करेंगे, ऑब्वियसली ये एक तरीका है जानने का कि इस स्टॉक का इंटरेस्ट है ट्रेडर्स में, इंट्राडे ट्रेडर्स में रादर इस स्टॉक को लेके कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये अगर स्टॉक ट्रेंड में आता है, सेक्टर ट्रेंड में आता है फॉर दैट मैटर, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें आप अगर थोड़ा बहुत पैसे लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको फायदा हो सकता है। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ये पता होगा कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो उन स्टॉक्स के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं जिनका वॉल्यूम ज्यादा खेला जाता है। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं आपका स्टॉक की लिस्ट के साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इसका आज का दिन का वॉल्यूम कितना खरीदा बेचा जा चुका है। हाई वॉल्यूम है तो आप उसको अपने एनालिसिस के साथ, रिसर्च के साथ जोड़िए और फाइनली आप उस पर भी पैसा लगा सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक इज द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज बॉट और सोल्ड इन अ टाइम पीरियड। तो ये परिभाषा आप भूले मत और अपने एनालिसिस में इसको जरूर मद्देनजर रखें। आखिरी पॉइंट है लो बिड आस्क स्प्रेड को लेके। अब बिड प्राइस क्या है जिसपे एक ट्रेडर अपने स्टॉक को बेच सकता है, आस्क प्राइस जिसपे वो खरीद सकता है। तो जब भी बेचा और खरीदा जाता है उसका जो डिफरेंस है उसको बिड आस्क स्प्रेड कहा जाता है। और अगर ये कम रहे तो ये फायदेमंद है, ज्यादा बिड आस्क स्प्रेड पे कुछ ना कुछ कंसर्न सामने आ सकते हैं। तो यही पॉइंट है कि जब स्प्रेड कम है अपॉर्चुनिटी ज्यादा है प्रॉफिट बनाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, मान लीजिए एक स्टॉक है 2530.35 रुपए पे बिड प्राइस है, आस्क प्राइस है 2530.60 पैसे, इसका स्प्रेड बना 25 पैसे ओवरऑल। हालांकि स्टॉक का जो प्राइस है वो अच्छा खासा है, महंगा है, लेकिन स्प्रेड बहुत कम है, मतलब कि ये स्टॉक मॉडरेट वोलेटिलिटी के साथ है, इसका ओवरऑल जो मूवमेंट है वो कुछ खास नहीं है। लेकिन बिड प्राइस 47.20 रुपए वाले स्टॉक की आज प्राइस आती है करीब 48.35 पे, तो इसका स्प्रेड बनता है 1.15, जो इस स्टॉक प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा स्प्रेड सामने आती है। तो ये जो राइट वाला स्टॉक है थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है और इसमें आपको कंसर्न हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी सामने आ सकती है डिपेंडिंग के ओवरऑल अदर फैक्टर्स क्या है। तो जो ये आपके लेफ्ट साइड पे आपको स्टॉक दिख रहा है ये फायदेमंद हो सकता है, सेफ है, प्रेडिक्टेबल है और उस हिसाब से आप इस पे अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ये है लो बिड आस्क स्प्रेड का ओवरऑल पॉइंट और ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसमें हमने आपको 5 अलग अलग फैक्टर बताए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अलग अलग तरीके जिसमें आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहेगी वो कम से कम 2 या 3 फैक्टर्स के साथ जोड़ी जा सकती है, किसी एक फैक्टर पे आप भरोसा ना रखें, आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 या 3 फैक्टर का बनेगा और उसके बेस पे ही आप अपने स्टॉक्स का चुनाव करें। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप digitalblogger.com/
इंट्राडे ट्रेडिंग स्लैश पिक इंट्राडे स्टॉक्स पे जा सकते हैं। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पूरा का पूरा आर्टिकल हिंदी तथा अंग्रेजी में अवेलेबल है। अगर आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर के सुझाव में तो adigitalblogger.com/free-stock-broker-suggestion पे जाइए, अपनी डिटेल दीजिए, आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है लाइक जरूर करें, शेयर तो डेफिनेटली करें, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारा चैनल अडिजिटल ब्लॉगर तो वो करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।